चलिए फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट सेम है फाउंडेशंस का एमसीक्यू फॉर्मेट में। फाइनल अकाउंट हम लोग देखने वाले हैं, सारा का सारा चैप्टर्स, जितने भी चैप्टर्स हैं आपके एमसीक्यू के मैट में, आपके मैट इंस्टीट्यूट के मैट में, सारे के सारे एमसीक्यू हम लोगों ने अच्छे तरीके से सॉल्व किया है। उसका सारा का सारा वीडियो हम लोगों ने यूट्यूब पे अपलोड किया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कुछ कुछ जो वीडियोज हैं वो आपको आई बटन में मिल जाएंगे। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाई। क्वेश्चन नंबर वन, द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट बनाते क्यों है? फाइनल अकाउंट बनाते हैं ताकि हम लोगों को नेट प्रॉफिट पता चले पहली बार। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का मेन मकसद था ताकि पता चले कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ पहली बार। और बैलेंस शीट बनाने का मेन मकसद है ताकि पता चले कि हमारा फाइनेंशियल पोजिशन कैसा है। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और साथ ही साथ फाइनेंशियल पोजिशन, दोनों अकाउंट बनाने के लिए हम लोग फाइनल अकाउंट बनाते। सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस लिख के आओगे मार्क्स काट के जीरो दे देगा। ठीक है, पॉइंट नंबर टू, इफ द मैनेजर इंटाइटल टू कमीशन 5%। यदि मान लो मैनेजर है, कमीशन है उसका 5%। याद रखना बिफोर, बिफोर है, बिफोर वर्ड है। हाँ, बिफोर कमीशन है तो याद रखना, बिफोर आफ्टर रहते तो डिवाइड में हम बताया था ना कि प्रॉफिट यदि 8,400। देखो यदि बिफोर है तो देख ले सिंपल क्या करते थे, 5% निकालेंगे 5/100। यदि ये आफ्टर रहता ना तो क्या करना पड़ता, 8,405/105 करना पड़ता आफ्टर। इसके पीछे क्या लॉजिक है ऑलरेडी क्लास में समझाया हुआ है, हालांकि यहाँ पे अभी कोई नहीं है तो हम लोग बिफोर दिए देख ली, 5% निकालेंगे तो आ जाएगा 8,400 का 5% निकालेंगे 420 रुपए आएगा। पॉइंट नंबर सी, क्वेश्चन थ्री, द बैलेंस ऑफ पेटी कैश इज। पेटी कैश क्या होता है? पेटी कैश एसेट्स होता है भाई, एसेट्स क्या होता है बताओ? एसेट्स, अच्छा फिक्स एसेट्स आर, फिक्स एसेट्स क्या होता है समझ लेकर, फिक्स एसेट्स केप्ट इन बिजनेस ऑफ यूज ऑफ लॉन्ग टर्म। हाँ, फिक्स एसेट्स को अपने पास हम वो रखते हैं ताकि लॉन्ग टर्म तक उसको यूज कर पाए। याद रखना कि एसेट्स किसको बोलते हैं, एसेट्स कोई भी चीज, एसेट्स के अंदर में दो तीन एलिमेंट होने चाहिए। पहला एलिमेंट होना चाहिए उसको हम लोग खरीद के रखे हैं और उसका यूज कर रहे हैं, और दूसरी बात वो बिजनेस का ओनरशिप में होना चाहिए। क्या होगा? बिजनेस के में, बिजनेस में यूज करने के लिए हो रहा है और लॉन्ग टर्म से हम लोग क्या कर रहे हैं, इनकम गेन कर रहे हैं, तो मेरा क्या फ्यूचर बेनिफिट मिल रहा है, तभी हम लोग उसको क्या बोल सकते हैं, फिक्स्ड एसेट्स। तो फिक्स्ड एसेट पॉइंट नंबर ए। पॉइंट नंबर फाइव, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाते किस लिए? फिर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाने का मेन मकसद होता है ताकि पता चले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होगा और कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितना है। आंसर इज असर्टेन द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। पॉइंट नंबर बी, उसके बाद बोला था कंपनी विशेष टू अर्न 20% प्रॉफिट। मान लो कंपनी को 20% प्रॉफिट मार्जिन चाहिए सेलिंग प्राइस पे। अच्छा तो बताओ कि इसका यदि अपॉन कॉस्ट प्राइस पे, दी कॉस्ट प्राइस पे क्या रेट होगा? सिंपल है। अच्छा ये बच्चे को दिक्कत होता है, मैं एक छोटा सा लॉजिक बताता हूँ, कभी दिक्कत नहीं होगा। देखो 20% प्रॉफिट मार्जिन ऑन सेलिंग प्राइस ही, राइट? सेलिंग प्राइस ही 20% को मैं, 20% को मैं यदि इसको काट के 1/5 कर दूं तो कोई दिक्कत है सर? नहीं सर, 1/5 कोई दिक्कत नहीं है। ये कॉस्ट सेलिंग प्राइस पे, हाँ कॉस्ट प्राइस इससे कम होगा ना हमेशा, पक्का हमेशा कम होगा। हाँ सर, 1/5 से हमेशा कम होगा। तो यदि हम लोग 1/5 से कम करेंगे तो एक माइनस कर दो, एक माइनस कर दो तो कितना आएगा, 1/4 कितना जाएगा बताओ, 1/4। अच्छा यदि जैसे कि 1/5 कितना है, 20% है, वैसे 25% क्या है, 25/100 करेंगे तो क्या आएगा, 1/4। इसका मतलब 20% सेलिंग प्राइस के ऊपर कॉस्ट प्राइस क्या होगा, 1/4, मतलब 25%। आंसर इज पॉइंट नंबर 25। मतलब मैं बताऊं कैसे, मैं कैसे बताया, सेलिंग प्राइस से जब कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट करूंगा ना तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और यही उल्टा रहता है, मान लो दिया रहता है कि 25% कॉस्ट प्राइस है, मैं बताता हूँ देखो, तुमको दिया रहता है कि ऑन कॉस्ट दिया हुआ है 25%, ठीक है? तो हम लोग 25 को पहले बाइफरकेट करके ऐसे लिखते हैं 1/4। अब हम लोगों को सेलिंग प्राइस में कन्वर्ट करना है तो हमको क्या करना पड़ता, सेलिंग प्राइस तो कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगा ना, तो हम लोग क्या कर देंगे, नीचे जोड़ देंगे तो 1/5 हो जाएगा। 1/5 को हम लोग 20% कर सकते हैं। आंसर इज यस। समझ के बाद इसका मतलब क्या हुआ कि 20% ऑन सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 25% ऑन कॉस्ट प्राइस। तो आंसर इज 21 बी। क्वेश्चन सेवन, एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंट जब बनाते हैं तो बैड डेट रिकवरी कहां रिकॉर्ड करते हैं, पीएल अकाउंट में। कहां रिकॉर्ड करते हैं बताओ, पीएल अकाउंट में। पॉइंट नंबर एट, डेप्रिसिएशन अपीयर्ड इन ट्रायल बैलेंस, डेप्रिसिएशन अपीयर्ड अपीयरिंग इन द ट्रायल बैलेंस। मान लो डेप्रिसिएशन बैलेंस शीट में, बैलेंस ये एडजस्टमेंट ना देखे ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, ठीक है? तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल ट्रायल बैलेंस में दिया तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, लॉस मानेंगे और पीएल के डेबिट में चार्ज कर देंगे, डेबिटेड टू द पीएल अकाउंट, ठीक है? पॉइंट नंबर नाइन, जीपी इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट किसको बोलते हैं? सिंपल, सेल्स में से जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करते हैं ना तो जो निकलता है वो ग्रॉस प्रॉफिट है। एक चीज समझो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलता है, ओपनिंग प्लस क्लोज, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, और यहाँ ये दोनों को जोड़ के इसको माइनस करते हैं तो निकलता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से हम लोग जब सेल्स को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा जीपी। समझ के बाद, ये लॉजिक ऑलरेडी क्लास में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है? आगे बढ़ता हूं मैं, ठीक है? पॉइंट नंबर 10, पीएल अकाउंट इज सोन इन,
पीएल अकाउंट क्या दिखाता है? एक पर्टिकुलर पीरियड का प्रॉफिट, फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ अ कंसर्न ऑफ अ पीरियड, और है पर्टिकुलर डेट तो नहीं होगा। क्यों पर्टिकुलर डेट नहीं होगा? क्योंकि हम लोग यहाँ पे याद करो, हम लोग पीएल अकाउंट बनाते हैं फॉर द ईयर एंडेड में, मतलब पूरा ड्यूरिंग द ईयर चलता है, बट बैलेंस शीट बनाता है एज ऑन, तो वो पर्टिकुलर डेट पे बनता है, बट पीएल अकाउंट पूरा थ्रू आउट द ईयर बनता है। तो आंसर इज फोन नंबर ए होगा, ठीक है, पूरा पर्टिकुलर फॉर द पीरियड, एक पर्टिकुलर पीरियड का प्रॉफिट लॉस निकालना। पॉइंट नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसमें से कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है? सिंपल, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, फंड फ्लो स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट है, सारा का सारा है। आंसर इज इसमें क्या होगा, पीएल अकाउंट है, बैलेंस शीट है, फंड फ्लो स्टेटमेंट, ऐसे ट्रेवलेंस नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, बेस्ड ऑन विच द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट एज अ शेयर कैपिटल इज शोन इन द लायबिलिटी साइड। अच्छा, किस कॉन्सेप्ट से हम लोग कैपिटल को, कौन से अकाउंट को, कैपिटल को लायबिलिटी साइड में लिखते हैं? याद करो, मैंने जब अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का ऑलरेडी क्लासेस यहाँ पे वीडियो डाला हुआ है, आपको उसको देखना है डिटेल्स में तो उसको देख सकते हो। तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में मैंने ये बताया था कि एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट था गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, और एक और था सेपरेट लीगल एंटिटी, जिसमें हम लोग बताते थे कि मालिक और कंपनी दोनों अलग अलग है, हम लोग दोनों को अलग अलग कंसिडर करते हैं। तो हम यदि मुकेश अंबानी और रिलायंस दोनों क्या होगा, अलग अलग होगा। मुकेश अंबानी जब कैपिटल डाला है रिलायंस कंपनी में, तो रिलायंस कंपनी को अलग कंसिडर करेंगे और रिलायंस मुकेश अंबानी को अलग कंसिडर करेंगे। तो रिलायंस कंपनी के लिए ये अमाउंट होगा लोन, लोन की तरह, मतलब लाइबिलिटी की तरह होता है। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कॉन्सेप्ट क्या होगा, बिजनेस इंटिटी कॉन्सेप्ट, इसको सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट से भी नाम से जाना जाता है। पॉइंट नंबर 13, क्लोजिंग स्टॉक पे अपीयर इन ट्रायल बैलेंस, क्लोजिंग स्टॉक यदि ट्रायल बैलेंस में अपीयर है तो वो एसेट्स मानते हैं, क्या मानते हैं बताओ, एसेट्स मानते हैं, बैलेंस शीट ऑन, कहां पर जाएगा, बैलेंस शीट में ही सूझ जाएगा, मतलब एसेट्स है ना वो। उसके बाद बोला कंसीडर द फॉलोइंग डेटा, आइडेंटिफाई द अमाउंट ऑफ ईच बिल डेटेड फ्रॉम द सेंडिंग डेटर्स, बताओ इसमें डेटर्स, डेटर्स से क्या माइनस होगा, बैलेंस शीट में डेटर्स से क्या माइनस होगा? कोई भी देखो, ओल्ड वाला चीज तो माइनस नहीं होगा, ये ट्रायल बैलेंस है मतलब ये ओल्ड है, मतलब ये माइनस नहीं होगा, ये भी ओल्ड है तो लिख ही दिया, ये भी माइनस नहीं होगा, ये न्यू है मतलब ये माइनस होगा, मतलब 800 रुपए आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, 15 बोल रहा है इन्वेंट्री क्या है, इन्वेंट्री इज एसेट्स, एसेट्स मतलब कौन सा एसेट्स होगा, तो फिक्स्ड एसेट्स तो नहीं होगा, एसेट्स इन्वेस्टमेंट भी नहीं होगा, एसेट्स करंट एसेट्स होगा, ठीक है। 15 का सी, दैट्स द कंप्लीशन ऑफ एमसीक्यू ऑफ फाइनल अकाउंट। हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूसरे दूसरे चैप्टर्स के एमसीक्यू करने वाले हैं, ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं फिर, बाय, थैंक यू।